हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के मीडिया ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो मीडिया ग्रुप में फर्स्ट कमांड है वीडियो की, तो वीडियो को यहाँ पे समझेंगे कि वीडियो में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे वीडियो के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक है ऑनलाइन वीडियो, ये हमने पिछली वीडियो में किया। इसके बाद है वीडियो ऑन माय पीसी, इस वीडियो में हम ये करेंगे। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पीसी में वीडियो है वो वीडियो हमारी इस स्लाइड में आ जाएगी। तो पहले हम इस स्लाइड का लेआउट चेंज करते हैं, इसको ब्लैंक में रखेंगे। तो होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद लेआउट पे जाएंगे, इसके बाद ब्लैंक लेआउट ये लिया, ये ब्लैंक लेआउट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मीडिया ग्रुप के वीडियो में जाएंगे, और वीडियो में जाने के बाद वीडियो ऑन माय पीसी इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद ये कहाँ से वीडियो हमने यहाँ पे लेनी है, जैसे ये फ्लावर, ये वीडियो हमने यहाँ पे लेनी है, इसको क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ये देखो ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। तो वीडियो आने के बाद यहाँ पर प्ले बटन है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखो क्लिक करेंगे तो वीडियो ये यहाँ से प्ले हो जाएगी। अगर यहाँ से इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये आने के बाद यहाँ पे वीडियो टूल, यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट है, एक प्लेबैक, यहाँ पे टैब बन जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे प्लेबैक इसको करते हैं, प्लेबैक पे क्लिक किया। प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तो हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, या हम यहाँ से रिबन से, जो प्लेबैक की रिबन है, तो रिबन में ये जो फर्स्ट ग्रुप है प्रीव्यू का, यहाँ इसके प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो यहाँ से भी प्ले हो जाएगी। ये देखो यहाँ से भी ये वीडियो प्ले हो रही है। अगर यहाँ से इसको बंद करना है, ये यहाँ पर इसको बंद कर दिया। इसके बाद ऐड बुकमार्क, अगर हम अपनी वीडियो में बुकमार्क यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बुकमार्क लगा सकते हैं। बुकमार्क का मतलब ये होता है कि ऐड ए बुकमार्क एट द करंट टाइम इन द वीडियो क्लिप, कि हमने कहाँ तक वीडियो देखी हुई है। जैसे हम यहाँ पे बुकमार्क लगा देंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे बुकमार्क कहाँ पे लगाना है, ये वीडियो को प्ले किया, प्ले करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड बुकमार्क, ये देखो ये जो है यहाँ पे बुकमार्क ये लग गया। इसका मतलब ये होता है कि जब हम दोबारा इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने वीडियो कहाँ तक देखी हुई है। तो ये बुकमार्क भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये बुकमार्क ये हमने यहाँ से हटाना है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे रिमूव बुकमार्क यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ से ये हट जाएगा। तो इस प्रकार ये बुकमार्क हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद है अगला एडिटिंग ग्रुप में ट्रिम वीडियो, ये हमारी वीडियो है, अगर इसको ट्रिम करना है तो हम ये वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं। सपोज़ करो यहाँ पे ट्रिम वीडियो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। आने के बाद ये जो है स्टार्टिंग से हमने कितनी इसको ट्रिम करना है, जैसे काटना है वीडियो को, जैसे इसको जहाँ से जितने से लेके जितने तक काटना है, जैसे सपोज़ करो यहाँ से इतनी वीडियो ये काटनी है पीछे की, ये जितनी भी है, और यहाँ से पीछे से हमने कितनी काटनी है, जितनी भी हम काटना चाहते हैं उतना हमने इसको रखना है। रखने के बाद हमने क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये वीडियो जो है यहाँ से ट्रिम हो जाएगी। ये देखो ये वीडियो जो है ट्रिम होके आ गई। तो जितनी वीडियो हमें चाहिए उतनी वीडियो ये रहेगी, बाकी वीडियो कट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद आगे है एडिटिंग ग्रुप में आगे है फेड। तो फेड में क्या है, फेड इन, फेड इन, जैसे हम ये स्टार्टिंग वाला वीडियो का को फेड इन करना चाहते हैं कितना, जैसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको, ये बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कितना फेड इन करना है। तो
इतना रखा हमने, फेड इन स्टार्टिंग में इतना रखा, बाद में फेड आउट की एंड में कितना ये फेड आउट रखना है, ये इसको भी बढ़ा दिया इतना 50, ये यहाँ पे रखा। ये रखने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे प्ले किया तो ये देखो प्ले में ये फेड इन होके आया, लास्ट में ये फेड आउट होके आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम वीडियो का यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर लो करनी है, कम करनी है वीडियो की साउंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम में लो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लो वॉल्यूम में हो जाएगी। अगर यहाँ पे मीडियम तो मीडियम पे क्लिक करना है, हाई रखनी है तो हाई, अगर इसको म्यूट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे इसको मीडियम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद है स्टार्ट, किस जो स्टार्ट करना है इन क्लिक सीक्वेंस इसमें करना है या ऑटोमेटिकली करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये वीडियो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल पड़ेगी। ये देखो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर ये वीडियो जब प्ले हो तो फुल स्क्रीन में चाहिए, तो हम क्या करना है यहाँ पे हमें प्ले फुल स्क्रीन यहाँ पे चेक करना है इसको। तो चेक करने के बाद हम यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम स्लाइड शो देखेंगे तो स्लाइड शो ये फुल स्क्रीन में आएगा। ये देखो स्लाइड शो किया, स्लाइड शो में ये जो है वीडियो फुल स्क्रीन में आएगी। ये देखो फुल स्क्रीन में वीडियो चली हुई है। तो इस प्रकार हम इसको फुल स्क्रीन में भी प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आगे है हाइड व्हेन नॉट प्लेइंग, जब ये चले ना तब ये हाइड हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। अगर नहीं करना है तो हम इसको अनचेक करेंगे। अगर ये भी फुल स्क्रीन में नहीं चाहिए तो हम इसको भी अनचेक करेंगे। अगली कमांड है लूप अनटिल स्टॉप्ड। लूप अनटिल स्टॉप्ड इसका मतलब ये होता है, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वीडियो जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं ये बार बार चलती रहेगी। ये ख़त्म हुई इसके बाद फिर से चलेगी, ख़त्म हुई उसके बाद फिर से चलेगी। ये देखो यहाँ पे हमने इसको चेक किया हुआ है, तो चेक करने के बाद यहाँ पे प्ले करेंगे। ये देखो ये वीडियो यहाँ पे चली हुई है, चलने के बाद ये यहाँ पे ख़त्म होगी, ख़त्म होने के बाद ये अपने आप ही चल पड़ेगी। तो इसको बोला जाता है लूप अनटिल स्टॉप्ड। ये देखो ये अपने आप ही यहाँ पे चल पड़ी। तो इस प्रकार हम इसको सेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम इसको बंद कर देंगे। आगे है रिविंड आफ्टर प्लेइंग, तो हम रिविंड द ऑडियो और वीडियो क्लिप आफ्टर इट इज़ डन प्लेइंग, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको भी करना है तो। तो इस प्रकार हम यहाँ से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो टूल में आगे करेंगे हम, ये फॉर्मेट टैब है तो फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हमने वीडियो को प्ले करना है तो हम यहाँ पे प्ले बटन से यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से प्ले हो रही है, ये अगर इसको बंद करना है यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसके बाद आगे है एडजस्ट ग्रुप। एडजस्ट ग्रुप में पहली कमांड है करेक्शन कमांड। करेक्शन कमांड के मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हम अपनी वीडियो की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो जहाँ पे पॉइंटर ले जाऊँगा वहाँ पे ये वीडियो चेंज हो रही है। तो इस प्रकार जो भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद आ गया कलर। अगर हम यहाँ से कलर सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से ये कलर, ये देखो चेंज हो रही है वीडियो, आगे किया पॉइंटर ये भी चेंज हो गई। अगर ये चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा, ये चाहिए तो ये, जो भी यहाँ से चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये भी हमारी चॉइस है, जो भी चाहिए उसके ऊपर। जैसे फर्स्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे नो रिकलर ये आ जाएगा यहाँ पे। अगली कमांड है पोस्टर फ्रेम। तो पोस्टर फ्रेम सेट द प्रीव्यू इमेज फॉर द वीडियो क्लिप। तो इसमें क्या है, इसमें वीडियो में हम फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया इमेज फ्रॉम फाइल, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद वर्क ऑफलाइन, यहाँ पे कोई भी इमेज चाहिए, जैसे सपोज करो हमें कौन सी इमेज चाहिए वो हम यहाँ पे रखेंगे।
तो यहाँ पे हमने कोई भी इमेज जैसे ये चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट किया। तो इंसर्ट करने के बाद ये पोस्टर फ्रेम यहाँ पे आ जाएगी, वीडियो के ऊपर आ जाएगी। अब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो ये अपने आप ही हट जाएगी। ये देखो यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक किया, देखो ये फ्रेम यहाँ से हट गई और ये जो है वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये यहाँ से बंद किया, इसको बंद करने के बाद यहाँ पे गए, इसके बाद अगर हमें यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक किया, मोर बटन पे क्लिक करने के बाद इसको रीसेट किया, रीसेट करने पे ये जो फ्रेम है यहाँ से हट जाएगी। ये देखो रीसेट कर दिया, ये जो पोस्टर फ्रेम यहाँ पे लगाई थी ये अपने आप ही हट जाएगी। इसके बाद है रीसेट डिज़ाइन, अगर रीसेट करना है तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट डिज़ाइन जैसे इसको करना है, ये देखो रीसेट, यहाँ से जो भी करना है इसको रीसेट कर सकते हैं। ये देखो रीसेट हो रही है, तो यहाँ से रीसेट किया, यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, या यहाँ से करना है तो ये रीसेट हो रही है। ये देखो ये हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो रीसेट करने के बाद अगला है वीडियो स्टाइल। अगर ये वीडियो जो है इसका स्टाइल चेंज करना है, सपोज करो ये सभी स्टाइल है, ये देखो फर्स्ट ये जहाँ पे मैं अपना पॉइंटर ले जाऊँगा ये चेंज होता जाएगा। ये देखो इस स्टाइल में आएगा, ये इसमें आएगा, ये सभी स्टाइल है यहाँ पे। तो जो भी स्टाइल हमें अच्छा लगेगा या और स्टाइल चाहिए तो हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत से स्टाइल आ जाएंगे, ये देखो चेंज हो रही है, जिसके ऊपर मैं पॉइंटर ले जाऊँगा ये चेंज होती जाएगी। ये देखो ये चेंज हो रही है, अगर इसमें चाहिए तो ये देखो इसमें चेंज हो गई, अगले में चाहिए इसमें चेंज होगी, अगर ऐसी चाहिए तो इस स्टाइल में चेंज होगी। तो जो भी हमें अच्छी लगती है यहाँ पे स्टाइल, वो स्टाइल हम चूज़ करेंगे। तो ये करने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे, तो ये इस स्टाइल में चाहिए या किस में चाहिए, इसमें भी है और स्टाइल, या इसमें चाहिए तो इसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार ये हम वीडियो स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे है वीडियो शेप, अगर वीडियो की शेप देनी है तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। ये देखो रिक्टेंगल्स में चाहिए तो ये सभी रिक्टेंगल्स हैं, अगर इसमें चाहिए बेसिक शेप, इसमें चाहिए, ये देखो बेसिक शेप में आ गया, और शेप चेंज करनी है इसकी तो ये देखो और भी शेपें हैं, जैसे इसमें रखना है डायमंड में, इसमें रखना है तो इसमें आ जाएगी। सपोज करो हम इसको यहाँ से रिक्टेंगल में ही रखेंगे, ये रिक्टेंगल में रखी तो इस शेप में आ जाएगी। इसके बाद है वीडियो बॉर्डर, अगर बॉर्डर लगाना है यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे कोई भी बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर लगाने के लिए सपोज करो हम यहाँ पे ये लेंगे, इसमें कोई कलर चाहिए तो कलर इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो कलर आ जाएगा। जैसे ये ग्रीन में रखा तो ग्रीन में रखने के बाद ये देखो ये जो बॉर्डर है ये ग्रीन में आ जाएगा। इसके बाद है वीडियो इफेक्ट्स, अगर हम वीडियो इफेक्ट्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वीडियो इफेक्ट्स भी वीडियो में लगा सकते हैं। तो ये सभी स्टाइल दिए गए हैं, प्रीसेट का है, शेडो का है, ये रिफ्लेक्शन का है। तो जो भी हमें अच्छा लगेगा, जैसे ग्लो देना चाहते हैं इसमें तो ये ग्लो, जैसे ये देखो येलो में ये देना चाहते हैं ये आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। इसके बाद है बीवल, ये भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसमें रखना है फर्स्ट में ये देखो इसमें आ जाएगा। इसके बाद आगे 3D रोटेशन में चाहिए, इसको घुमाना है, रोटेट करना है वीडियो को 3D रोटेशन में, ये देखो घूम रही है, तो इसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जिस भी स्टाइल में हम रखेंगे उस स्टाइल में ये बन के आ जाएगी। तो हम इसको इस स्टाइल में या इस स्टाइल में, तो हम इसको क्या करेंगे इसी स्टाइल में रखेंगे तो इसमें आ जाएगी। इसके बाद है अरेंज ग्रुप, तो अगर आप अरेंज ग्रुप के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में ये बताया गया है, तो वहाँ पे जाके आप इसको सीख सकते हो। इसके बाद है अलाइन, अगर इसको अलाइन करना है तो अलाइन करने के लिए ये होता है टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, जैसे नीचे ऊपर है ये, तो हम इसको कर सकते हैं ये। इसके बाद है रोटेट,
अगर इसको 90 डिग्री करना है, ये देखो 90 डिग्री रोटेट हो रही है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री यहाँ पे ये, इसके बाद फ्लिप वर्टिकल, इसके बाद है फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। इसके बाद है आगे है साइज़ ग्रुप, तो साइज़ ग्रुप में हम इस वीडियो का साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे साइज़ को एक तो हम यहाँ पे क्रॉप करके ये जो साइज़ है ये सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को हम क्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे खींचे, इसको यहाँ पे रखा, इसको ले गए यहाँ पे रखा, रखने के बाद ये ऊपर से भी अगर इसको करना है तो ये किया, इसके बाद यहाँ से भी इसको किया, तो ये क्रॉप करने के बाद ये वीडियो क्रॉप हो जाएगी। ये देखो क्रॉप होगी, इतनी वीडियो ये क्रॉप होगी। तो इसको हम यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर इसकी हाइट यहाँ से बढ़ानी है तो ये देखो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। कम करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कम हो रही है। अगर इसकी विड्थ बढ़ानी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये विड्थ बढ़ रही है। कम करनी है तो यहाँ से कम होगी। तो इस प्रकार ये वीडियो का साइज़ हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने वीडियो की सेटिंग के बारे में सीखा कि वीडियो की सेटिंग कैसे की जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।